ओके गाइस, सो स्टार्टिंग टुडेज व्लॉग इन माय कॉलेज. और आज से कुछ दिनों तक आपको सिर्फ मेरे कॉलेज की वीडियोस दिखेंगी. कि मेरे कॉलेज का अब एक फेस्ट शुरू होने वाला है जिसका नाम है जुनून द फेस्ट. शायद आपने मेरे अगर आपने मेरी वीडियो पिछली वाली लास्ट तक देखी होगी तो उसमें दो पोस्टर्स थे, एक शर्ली सेठिया का और एक डीजे एनवाईके का. तो हाँ, शर्ली सेठिया और डीजे ने दोनों आने वाले हैं और 25th और 26th का इवेंट है. एंड मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला हूँ क्योंकि कॉलेज में मैं एज DOP काम कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है. बट आई somehow managed to get a vlog for you guys. तो इस vlog में वो सब चीज़ों के बारे में बात थोड़ी कम करेंगे और वन टू वन इंटरेक्शन को कई दिन हो गए तो वो ही करते हैं. सो देयर मे बी मैनी क्वेश्चन विच यू गाइज वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम मी कि वाई आई एम नॉट रेगुलर ऑन यूट्यूब और हफ्ते हफ्ते में मेरी एक वीडियो क्यों आती है. तो सुपरस्टार इसका रीज़न है मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ. कैसे कैसे आखिरकार कैसे ऐसे. तो मैं पिछले कई दिनों से बिज़ी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग हो रही है. ये हमारे अमन सर, तो हाथ में आप देख सकते हो सबके कैमरा है. इधर भी अपना टाइम लैप्स चल रहा है. ये दूसरा कैमरा है, नॉइस प्ले व्लॉग एडिशन है. तो ये सब चीज़ों में अभी हम लोग बिज़ी चल रहे हैं. और अभी मैं हूँ जिंदल सेंटर के पास, तो बस इसीलिए मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो कि बिना बताए आ जाते हैं कभी कभी. तो ये एक रीज़न है. लेकिन काम जितने भी हो मैं नहीं रुकूंगा और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहूंगा. अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहूंगा. तो अभी फ़िलहाल का प्लान कुछ ऐसा, अभी हम लोग बैठ के यहाँ काफ़ी देर से काम कर रहे थे. हम जितने भी जुनून के मीडिया टीम वाले हैं, हाँ हम लोग जुनून के मीडिया पार्टनर्स हैं. पार्टनर्स नहीं, मीडिया के टीम वाले, क्या बोलते हैं उसको, मीडिया टीम वालों को, ग्राफिया. हाँ, तो जो हमारी मीडिया है, जो हमारी मीडिया टीम है उसका नाम है ग्राफिया. तो वी आर ग्राफेरियंस, ठीक है. तो हाँ, बहुत देर से काम कर रहे, तो अभी लंच करने जाएंगे. एंड लंच करने के बाद लोकेशन देखनी है कि कहाँ पर कल हमें रिकॉर्ड करनी है वीडियोस. एंड अगले दो दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाले हैं, तो कम व्लॉग शूट करूँगा लेकिन ये व्लॉग जो है पूरा बनाऊँगा. ओके गाइस, सो अभी सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट शर्ली को लेने. एंड अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक बन रखा है शेड्यूल, तो व्लॉग बहुत मुश्किल से कर पा रहा हूँ बीच बीच में. तो अभी फटाक्स चलते और रिसीव करते शर्ली. 3, 2, 1. तो मैं एयरपोर्ट तो आ गया हूँ बट शर्ली सेठिया को आने में अभी थोड़ा टाइम है, मतलब फ्लाइट अभी लैंड नहीं हुई है. तो ये मेरे पीछे रहा एयरपोर्ट. तो अभी बस थोड़ी देर में आने वाली फ़्लाइट, हम लोग वहाँ वेट कर रहे हैं. और हुआ ये था कि जब हम एयरपोर्ट आए तो हमारे पास परमिशन नहीं थी कैमराज अंदर ले जाने की. फिर थोड़ी देर बाद परमिशन वगैरह मिली है, तो अभी हम लोग बाहर है. थोड़ी देर में अंदर जाएंगे एयरपोर्ट के एंड फिर वहाँ पर शूट करेंगे. जो आफ्टर मूवी बनाने वाले उसकी शूट करेंगे. एंड अगर मुझे थोड़ा समय मिला सो आई विल टेक शर्ली सेठिया इन माय व्लॉग. अदरवाइज वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अदरवाइज समझ लेना, ठीक है. तो कॉल आ रहा है, एक सेकंड. सो राइट नाउ आई एम इनसाइड द एयरपोर्ट एंड अभी से 15 मिनट के बाद शर्ली का प्लेन लैंड होगा एंड सब सेटअप लग रखा है मेरा. उधर अपना ये 5D है एंड उधर फ़ोटो खींचने के लिए ऑलरेडी निकॉन के कैमराज है, तो पूरा सेटअप रेडी है. एंड अभी एयरपोर्ट में मुश्किल से कुछ ही लोग हैं एंड जो लोग भी हैं फोटोग्राफर्स में सब स्किल्ड हैं, तो उनका रहना भी ज़रूरी था. तो अगर कोई क्वेश्चन उठाएगा तो प्लीज़ ये सब के बारे में क्वेश्चन मत उठाना. एंड थोड़ी देर में प्लेन आ रहा है एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड. ओके गाइस, सो राइट नाउ आई एम जस्ट इन फ्रंट ऑफ स्टेज एंड कॉन्सर्ट बस थोड़ी देर में चालू होने वाला है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड. आप लोगों को दिखा दो स्टेज कैसा लग रहा है.
तो ये स्टेज है अपना एंड अभी एक गिटारिस्ट भी जो उधर फ़ोन पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गिटार बजाते हैं एंड ये भी बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं. सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर द कॉन्सर्ट एंड यस सो फार सो गुड. एक कैमरा यहाँ एक कैमरा ये वहाँ पे बाकी 10 कैमरे हैं एंड द शो इज़ गोइंग टू बी डाउन एंड होप फॉर द बेस्ट एंड बस अब स्टेज पे जाता हूँ मैं. बाय बाय. सो गाइस कल का जो इवेंट था बहुत ज़्यादा हेक्टिक था. रात को आते आते मुझे 12 से 1 बज गए थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गया था तो इसीलिए आज मैंने एक ब्रेक ले लिया. कॉलेज नहीं गया, कॉलेज भी जाना था अभी मुझे, तो आज मैं कॉलेज नहीं गया एंड अभी जाके मुझे फिर जाना है वहाँ पर और शायद डीजे निक का इंटरव्यू लेना है जो कि मैं आपको अगले व्लॉग में दिखा सकता हूँ. आई गेस इंटरव्यू ले पाऊँ क्योंकि शर्ली का भी लेना था बट कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से इंटरव्यू कैंसिल हो गया एंड नहीं ले पाया. बट आई मेट शर्ली पर्सनली ऑल्सो एंड शी वॉज वेरी हम्बल एंड वेरी काइंड पर्सन बाई हार्ट एंड दिखने में तो क्यूट एंड अडोरेबल है ही. तो बहुत मज़ा आया एंड बस इसी के साथ मैं चलता हूँ एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट वमेंट जो करना है कर देना. इसी के साथ बाय बाय सुबशास. Thank you.